मैंने कहा बंदर आता है तो कंटर बजाओ। जहां एक पेड़ में बंदर दिखा तो एक ने कंटर बजाया, सब कंटर बजाने लगते, कनिस्टर तो सब के सब भाग जाते हैं। सब परेशान है जो है बंदरों से। भाई देखो मैं भी जनता ही हूँ, तुम भी जनता हो, खाली पत्रकार और नेता ही नहीं हम लोग, ठीक है। किसान जो है परेशान है जंगली जानवरों से, उनको कैसे निजात मिलेगा, खेती कैसे करेंगे, जंगली जानवर का तो कोई उपाय तो है नहीं, बंदर भी। देखिए वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, जहाँ चाह तहाँ राह। मैंने कहा बंदर आता है तो कंटर बजाओ। मैंने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरे मनोज साहब को, जिसमें गलती से इधर से उधर लड़ गए थे किसी पार्टी से, नैनीताल के रामगढ़ के, उन्होंने सेव की जगह सब लोगों ने आड़ू लगाना शुरू किया, आड़ू के बगीचे बगीचे। मैंने कहा यार इतने तेरे आड़ू बंदर नहीं खाते हैं क्या? बोला दाजू, बोले जहाँ एक पेड़ में बंदर दिखा तो एक ने कंटर बजाया, सब कंटर बजाने लगते, कनिस्टर तो सब के सब भाग जाते हैं। तो ये क्या होता है? अभी मुझे मेरा भाई बता रहा था गांव में, बोले दाजू यहाँ पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जब जैसे बंदर कोई दिखाई दिया तो बोले हमारे तिलोक सिंह चाचा और पिताजी जो है वो वहाँ रामगंगा के नीचे वहाँ किनारे पहुँचा देते थे उनको ऐसे भगा करके, बोले फिर आते ही। क्या है कि थोड़ा सा इसके लिए गांव इकट्ठा होंगे, कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसका समाधान निकालेंगे, बाकी अंदर बाड़े बंदर बाड़े तो ये सब अपनी जगह। कंटर तो ये मान लें कि बागेश्वर के लोग अब कंटर बजाएंगे बंदर बनाने के लिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है उसके लिए? मेरा तो ये कहना है कि हर काम के लिए अगर सरकार को देखोगे कि अखबार में कुछ छपा कि नहीं छपा, बागेश्वर के समाचार छपे कि नहीं छपे, इसके लिए सरकार को देखा है कि यहाँ के पत्रकार को देखा है? बोलो जनता की जो समस्या है वही बात। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ का सब परेशान है जो है बंदरों से। भाई देखो मैं भी जनता ही हूँ, तुम भी जनता हो, खाली पत्रकार और नेता ही नहीं हम लोग, ठीक है। ये अगर हम संकल्प ले लेंगे तो ये सब काम होंगे, और इसलिए हर काम सरकार पर नहीं छोड़ना, हमको स्वावलंबन करना। सारा भाषण तो इसमें था ना मेरा, आप समझे नहीं रखा। हम अपने पांव पर खड़े होंगे तो बंदर तो क्या, वो जो बड़े बड़े भूत भात होते हैं।